कितना खुशी है आपका बेटा दरोगा बन गया? बहुत बहुत खुश है हम लोग। हाँ। हमारे गांव में आज तक कोई दरोगा बना ही नहीं और इसका नाम भी रोशन, और रोशन करके दिखा दिया पूरे गांव को। अच्छा, और कि मैं दरोगा बन जाऊंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हमको पता, मैंने आशा था कि हम कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि हम कभी भी, मेरा सोच ही पहले से ही था कि कुछ अच्छा करना है। और हम शुरुआत से बीपीएससी का तैयारी की, बेटी मेरे साथ था कि घर से उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, और बहुत ज़्यादा पापा लोग तो उतना बोलते भी नहीं थे पूरा ज़्यादा कि इसी साल करना है चाहे। अच्छा, मम्मी बोलती थी क्या? मैंने थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एकदम टाइम पीरियड नहीं था कि एकदम करना है। लगा था कि मेरा बेटा दरोगा बनेगा। आप अपने बच्चों को दरोगा बन गए, आप शादी उदी करिएगा कि नहीं इनको? शादी तो शादी है, होवे ना करेगा। कैसा पुतो चाहिए? कैसा पुतो चाहिए? घर में मिला के चले वाला। अच्छा, घर में मिला। हाँ। कोई मतलब नौकरी वाला नहीं चाहिए? नौकरी वाला तो अभी भी बोले हैं जो नहीं लाना है नौकरी वाला। जे नौकरी वाला लाएगा हमको कहेगा कि ये ऐसे करो वैसे करो। अच्छा, तो हमें नहीं चाहिए। गांव के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर भरोसा रखिए और बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आप बच्चे पे भरोसा रखेंगे, आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, तभी वो अच्छा कर पाएंगे। और ये नहीं कहिए कि किसी भी तरह आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाना है। अगर आप ये कहेंगे तो फिर बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होता है कि हमको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। यही कारण है कि वो बड़ा एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बड़ा एग्ज़ाम का सपना देख ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। खुश है। अच्छा, दरोगा बन गया हमारा का। अभी कितना खुशी है? बहुत खुश है। मिठाई उठाई खिलाए कि नहीं? बहुत मिठाई। गांव में मिठाई बांटे कि नहीं? बहुत मिठाई लेके आदमी आता है, यहाँ से खा के जाता है। खैर, मेरा जो अपना जो मानना है कि हम घंटा देख के कभी पढ़ते नहीं थे, और मेरे अंदाज से घंटा देख के पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। कोई होता है जो 4 घंटा का काम एक ही घंटा में कर ले जिसका आईक्यू लेवल बढ़िया हो, कोई होता है 4 घंटा भी पढ़ता है फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो इसीलिए घंटा देख के नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि मेरे अंदाज से टारगेट। कुछ गाँव के लोग है, थोड़ा जानने के प्रयास करते हैं कैसा। बहुत सुंदर लग रहा है। जलन नहीं ना हो रहा है? जलन काहे होगा? काहे जलन होगा? अरे होता है कि गांव के लड़का, मतलब आसपास के लोग जो तरक्की करने लगता है, आसपास के लोग जलने लगते हैं, तो आपका ऐसा कुछ नहीं ना हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा बात है, खूब खुशी है। लोग खुशी है ना? हाँ, कहने से नहीं, अंदर से भी। अंदर से बिहार के वैशाली जिला भिखनपुरा पंचायत में है, और ये गांव में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। गांव के इतिहास में पहली बार कोई लड़का दरोगा बना है, और देख सकते हैं जो लड़का दरोगा बना है पूरे घर में कितना खुशी का माहौल है। और इनके पिताजी एक छोटा सा किराना का दुकान चलाते हैं, और किराना का दुकान चला के अपने बच्चे को पढ़ाए, और आज ये बच्चा दरोगा बन गया है। कितना खुशी है, आइए जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी शाह। कितना खुशी है आपका बेटा दरोगा बन गया? बहुत बहुत खुश है हम लोग। हाँ। हमारे गांव में आज तक कोई दरोगा बना ही नहीं, और इसका नाम भी रोशन, और रोशन करके दिखा दिया पूरे गांव को। अच्छा। और इस लोग पूरे गांव के लोग बहुत खुश हैं। तो शायद आप लोग भी जानते होंगे कि कोई गांव में अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल लेता है तो लोग उनको कहते हैं कि आपको भगवान से भेंट हो गया। लेकिन ये जो रोशन जी है वो दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आज दरोगा बन गए हैं। कितना खुशी है जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। अच्छा, आप दरोगा बन गए, कितना खुशी लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। अच्छा। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होता है जो मेहनत करता है, और एक समय में उसका मुकाम जब मिल जाता है तो थोड़ा सा सुकून तो मिलता है, खुशी ही मिलता है। अच्छा, कभी आप सोचे थे कि आप दरोगा बनेंगे? क्योंकि गांव का ऐसा माहौल है कि किसी भी तरह कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए, मतलब गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो जाए, ये खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन आप इतना बड़ा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप दरोगा बने हैं, तो कैसा लग रहा है? कभी आपने सोचा था कि मैं दरोगा बन जाऊँगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हमको पता, मैंने आशा था कि हम कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि हम कभी भी, मेरा सोच ही पहले से ही था कि कुछ अच्छा करना है, और हम शुरुआत से बीपीएससी का तैयारी के लिए हम लगे थे। अच्छा, फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था? फैमिली से ये प्रेशर नहीं हुआ करता था कि किसी तरह आपको जल्दी से जल्दी जॉब लेना है, क्योंकि अब हमसे नहीं होगा, क्योंकि आप पटना में पढ़ाई करते थे, वहाँ पे तैयारी करने में पैसा भी बहुत लगता है, क्योंकि सब लोग तो तैयारी नहीं कर पाते, तो फैमिली से कोई प्रेशर नहीं मिलता था आपको? नहीं नहीं, यही तो एक पॉजिटिव मेरे साथ था। हाँ। कि घर से उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, और बहुत ज़्यादा पापा लोग तो उतना बोलते भी नहीं थे पूरा ज़्यादा कि इसी साल करना है चाहे। अच्छा, मम्मी बोलती थी क्या? मैंने थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एकदम टाइम पीरियड नहीं था कि एकदम करना ही है तो करना ही है, क्योंकि ये लोग भी समझते थे कि गवर्नमेंट जॉब है जो बिहार में, तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन आउट चाहे जो भी हो, थोड़ा सा प्रक्रिया लंबा हो जाता है, एक एक वैकेंसी 2-3 साल तक चला जाता है। बिहार में ये भी देखने को मिलता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं,
ईमानदारी पूर्वक एग्जाम भी दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब से माने ये सब चीज़ से जानते थे पापा लोग, पेपर ऊपर पढ़ते थे तो देखते रहते थे कि क्या प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट सब के साथ, तो इसीलिए हम लोग उतना ज़्यादा पूरा एकदम ज़्यादा प्रेशर नहीं मिला था कभी। अच्छा। जिसके कारण हम लोग भी सुकून से पढ़े थे और सुकून से ही रहते थे। क्या आपको कभी लगा था कि मेरा बेटा दरोगा बनेगा? आप अपने बच्चों पे भरोसा करते थे? हाँ, हम लोग करते थे भरोसा, क्योंकि बचपन से ही पढ़ने में तेज था, तेज तैयार था और संघर्ष करता था और रात दिन भी मतलब मेहनत करता था। अच्छा, ऐसा कभी नहीं लगता था कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला है, इतना दिन पढ़ा दिए कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसा कभी लगा था? नहीं, हम लोग इससे कभी नहीं घबराए हम। अच्छा। शिक्षा नौकरी की बात है, नौकरी हो अथवा ना हो लेकिन शिक्षा, तो इसलिए पढ़ने में तो बहुत तेज था, दरोगा बन गया बहुत खुशी की बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो गांव के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे भरोसा रखिए और बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आप बच्चे पे भरोसा रखेंगे, आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे तभी वो अच्छा कर पाएंगे। और ये नहीं कहिए कि किसी भी तरह आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाना है, अगर आप ये कहेंगे तो फिर बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होता है कि हमको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। यही कारण है कि वो बड़ा एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बड़ा एग्ज़ाम का सपना देख ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल है यहाँ दरोगा बनाने में, क्योंकि आपने बहुत मदद किया है। हालांकि इन्होंने मेहनत किया है तभी यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन उससे ज़्यादा आपने मेहनत किया है, क्योंकि बहुत ऐसे कम पेरेंट्स होते हैं जो इतना दिन तक सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। क्या इस पर क्या कहना चाहिएगा? इसमें देखिए, हम लोगों को पूरा भरोसा था कि बच्चा अच्छा है, ये पढ़ेगा लिखेगा कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, इस पर हम लोगों को पूरा पूरा विश्वास था। अच्छा, पूरा विश्वास था, ऐसा नहीं ना लग रहा था कि पैसा जो खर्च करे वो बेकार चला जाए? हम लोग पढ़ तो रहा है, कम से कम शिक्षा तो प्राप्त कर रहा है ना। अच्छा, दरोगा बने या ना बने लेकिन पढ़ तो रहा है ना। हाँ, शिक्षित कुछ तो करेगा, शिक्षित तो शिक्षा। अच्छा, मैंने पढ़ने लिखने में अच्छा था, ये हम लोग को आशा था कि कुछ ना कुछ तो करेगा ही। चलिए, ये मम्मी है, थोड़ा सा कैसा बेटा दरोगा बन गया? अच्छा लग रहा है, हम खुश है। अच्छा, दरोगा बन गया हमारा का। अभी कितना खुशी है? बहुत खुश है। मिठाई उठाई खिलाए कि नहीं? बहुत मिठाई, गांव में मिठाई बांटे कि नहीं? बहुत मिठाई लेके आदमी आता है, यहाँ से खा के जाते हैं। अच्छा, बांटे हैं? हाँ। अच्छा, आप आंटी हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, दरोगा बन गए घर में, बहुत खुशी का माहौल है। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा, क्या सपोर्ट करते थे? खुद बहुत अच्छा, मैंने पढ़ाई लिखाई सब करते थे, अपना देखते थे कि रात को पढ़ते लिखते थे, तो हम सोचते थे कि जरूर कुछ न कुछ बनबे करेंगे। अच्छा अच्छा, रात में देखते थे कि पढ़ाई कर रहे होते थे, तो उस समय आपको लगता था कि कुछ न कुछ आगे चल के करेगा? हाँ, ये पढ़ने में ठीक है लड़का, अपना करेंगे आगे गम कुछ। अच्छा, और क्या कहना चाहेगा? अब कौन सी कहे, अब सब लड़का बन ही गया दरोगा, अच्छा है। हाँ, ठीक है, अब सब खुश है, ये है गाँव समाज, हम सब खुश है परिवार में। अब तो दरोगा बन गए, अब शादी उदी करिएगा कि नहीं इनको? शादी तो शादी है, होवे ना करेगा शादी। कैसा पुतो चाहिए? कैसा पुतो चाहिए? घर में मिला के चले वाला। अच्छा, घर में मिला। हाँ। कोई मतलब नौकरी वाला नहीं चाहिए? नौकरी वाला तो अभी भी बोले हैं जे नहीं लाना है नौकरी वाला, जे नौकरी वाला लाएगा हमको कहेगा कि जे ऐसे करो ऐसे करो। अच्छा, तो हमारा नहीं चाहिए नौकरी वाला। अच्छा, कई ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब उनका दोस्ती होता है, मतलब गर्ल्स फ्रेंड होता है, कहीं आपके साथ ऐसा है या? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कभी। अच्छा, मतलब पेरेंट्स के साथ है तो मतलब शर्म नहीं ना आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ये सब है नहीं, उस सब हम लोगों के पास ये सब। अच्छा, जब भी शादी करेंगे तो अपने पेरेंट्स के ही मर्जी से? बिल्कुल बिल्कुल, अपने मर्जी से नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये सब तो अरेंज मैरिज ही करेंगे। अरेंज मैरिज ही रहेगा, लेकिन जो पापा मम्मी लोग जो घर के परिवार लोग जो करेंगे वही होगा, बस वही होगा। बिल्कुल, मतलब कभी भी ये डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं बना कि कई बार ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि आप इस चक्कर में आ जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा हम दोनों राय रखते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ निगेटिव ही है, अगर ऐसे देखना है तो अभी 12th फेल देख सकते हैं, 12th फेल मूवी में भी देख सकते हैं कि एक लड़की कितना सपोर्ट किया है एक लड़का के लिए, तो ऐसा भी होता है, बहुत बहुत मिसाल भी बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपके लाइफ में ऐसा कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं है, मैंने इस चीज़ को हम प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर 90% केस में निगेटिव ही होता है। अच्छा। इसीलिए सबसे थोड़ा सा बचना ही चाहिए मेरे अंदाज से। मतलब कितना
घंटा पढ़ाई कर लेते थे और पढ़ाई पे कैसे फोकस कर पाते थे, क्योंकि पढ़ाई ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, स्टडी ही बहुत बड़ा चीज़ होता है, अब कैसे फोकस कर पाते थे थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, हम तो खैर मेरा जो अपना जो मानना है कि हम घंटा देख के कभी पढ़ते नहीं थे, और मेरे अंदाज़ से घंटा देख के पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। कोई होता है जो चार घंटा का काम एक ही घंटा में कर ले जिसका आईक्यू लेवल बढ़िया हो, कोई होता है कि चार घंटा भी पढ़ता है फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो इसीलिए घंटा देख के नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोगों को लगता है कि मेरे अंदाज़ से टारगेट फिक्स करके पढ़ना चाहिए कि आज इतना का कम्प्लीट करना है, कल इतना का कम्प्लीट करना है। तो मेरा पढ़ाई का यही मेन मैंने टारगेट था, और टारगेट के ही बेसिस पे हम लोग पढ़ते थे, और हम लोग खुद ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही किए थे। ज़्यादातर हम चार फ्रेंड था हम लोग का, और ग्रुप डिस्कशन ही ज़्यादातर करते थे। अच्छा, स्कूलिंग मतलब प्राइवेट स्कूल से हुए या फिर बिहार बोर्ड? नहीं, बिल्कुल, हम लोग शुरू से ही बिहार गवर्नमेंट से ही सब चीज़ है। अच्छा। बिहार गवर्नमेंट के मिडिल स्कूल भी खानपुरा जो मेरा अपना बगल में स्कूल है उसी से पढ़े हैं। बिहार गवर्नमेंट से ही 11th 12th भी किए हैं, 10th भी किए हैं, उसके बाद आगे इंजीनियरिंग भी हम लोग किए हैं, तो बिहार गवर्नमेंट से ही किए हैं। अच्छा, कितना बार इसका एग्ज़ाम दिए और आज क्वालिफाई कर पाए? जैसे हम प्रिपरेशन दरोगा का नहीं कर रहे थे, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे BPSC PCS की तरफ थे, और उसी दौरान आ गया था फॉर्म, आ गया था दरोगा का, तो घर के प्रेशर थोड़ा सा, और मेरा तो उद्देश्य उतना नहीं था अभी फिलहाल जाने का इधर, लेकिन फिर भी फॉर्म भर दिए, एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, कभी सोचे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा? सोचे उतना हम बहुत ज़्यादा एकदम लगे हुए भी नहीं थे इस माने दरोगा में लगे हुए उतना नहीं थे, लेकिन हाँ इतना जानते थे कि मेरे रेंज का चीज़ है ये सब, जब भी देंगे तो हो जाएगा और होने की पूरा संभावना है, भले लक फैक्टर कुछ भी हो, फिजिकल उजकल भी है थोड़ा सा, तो उस समय जो हो फिजिकल से थोड़ा सा डर हल्का लगता था, लेकिन फिर भी इतना लगता था कि हो सकता है क्योंकि मेरे रेंज का था ये सब। चलिए, आप जिस तरीके से ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई किए, नो डाउट कि आप बिना मेहनत किए हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई किए और यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, कई ऐसे दरोगा होते हैं जो टेबल के नीचे से लेना शुरू कर देते हैं, आपका क्या है, मतलब क्या मोटो है कि दरोगा बन के आप क्या करना है आपको? बिल्कुल, ये सब तो कभी हम सोचे भी नहीं हैं, और आगे सोचने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है, और ना सोचने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये सब कुछ है नहीं, और जो भी करना है ईमानदारी से करना। जिस तरीके से आपने पढ़ाई ईमानदारी से किया, उस तरीके से दरोगा बन के काम भी ईमानदारी से करिए। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, और इसमें है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हर किसी को माने समाज के हर तबका के लोगों को माने जो भी हो जितना भी हो सपोर्ट ही करने का कोशिश करेंगे पूर्ण रूप से। तो गलत करेंगे तो फिर हम लोग आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो आप अपना ईमानदारी को बरकरार रखेंगे मतलब दरोगा बनने के बाद, और वहाँ पे भी अपना ईमानदारी दिखाएंगे, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे और आगे तक जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्या अच्छा अगर करेक्टर बढ़िया रहता है तो आगे प्रमोशन ये सब हर चीज़ में मदद मिलता है, इसीलिए हम लोग तो पूर्ण रूप से ये सब चीज़ तो कभी जिंदगी में कभी किए नहीं है, तो और आगे क्या, फैमिली उमली पूरा संस्कार ही मिला है वही, तो फिर आगे क्या कहें। चलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप दरोगा बन के अपना ईमानदारी को बरकरार रखेंगे और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और भी कुछ आंटी है ना, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी से आंसू आ गया, हम सब जब सुने कि इनका रिजल्ट आ गया तो हम सब खुशी से झूम उठे, आँख से आंसू भी निकल रहा, खुशी का माहौल भी था। वो जैसे ही आए पटना से तो हम सब रात में केक काटा, फटाका फोड़े, अच्छा। मिठाई बांटे आसपास और के रात तक छोटा सा पार्टी किए। कभी ऐसा लगा था क्या, अभी ऐसा लगा था? जो तरीका से ये मेहनत कर रहे थे, जो तरीका से ये दिन रात अपना पढ़ाई में अपना ध्यान किए हुए थे, तो लग रहा था कुछ अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुश है कि एगो घर में लड़का है, एगो नौकरी कर लिया, रोशन नाम का लड़का है, वो रोशन कर लिया। अपना गांव में बिखनपुरा पंचायत में कोई नहीं ऐसा किया है दरोगा का नौकरी। बिल्कुल, पहला है, पहला बार रोशन नाम का लड़का है कि दरोगा का नौकरी किया है। अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत खुश है हम लोग। आइए, कुछ गाँव के लोग है, थोड़ा जानने के प्रयास करते हैं, कैसा? बहुत सुंदर लग रहा है। जलन नहीं ना हो रहा है? तो जलन का होगा, का है जलन होगा? अरे होता है कि गांव के लड़का मतलब आसपास के लोग जो तरक्की करने लगता है, आसपास के लोग जलने लगते हैं, तो आपका ऐसा कुछ नहीं ना हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा बात है, खूब खुशी है लोग। खुशी है ना? कहने से नहीं, अंदर से भी खुशी? अंदर से है। चलिए, और भी है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। खुशी, कितना खुशी? बहुत खुशी है। मिठाई उठाई खाए? मिठाई उठाई आप बांटे?
पोता है वो बाटे था, हम बाटे था, दोनों एक ही होता ना है। अच्छा हाँ पोता है। चलिए आपके भैया है। हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से गुदगुदी टाइप का हो रहा है। गुदगुदी टाइप का हो रहा है जी। अच्छा तो आप अपने भाई से भैया से प्रेरणा लेंगे ना? जी क्योंकि पूरे गांव में ऐसा कोई लड़का नहीं कर पाया था। मेरे पंचायत में अभी तक कोई नहीं है, ये फर्स्ट है। हाँ अभी तक कोई है ही नहीं। चलिए तो बाकी क्या अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस गांव के बारे में और रोशन जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि गांव के इतिहास में पहली बार कोई लड़का अपना दम दिखाया है और दरोगा बना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको दिखाने की प्रयास किया कि कितना खुशी है ये घर में। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।